मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पटाखे की तरह फटने वाले फल मिले हैं। पलसूद से 7 किलोमीटर दूर उमेदड़ा गांव में एक पेड़ पर लगे ये फल जमीन पे फेंकने पर फट रहे हैं। ये देखने में बिल्कुल ही नारियल जैसे हैं। फल फूटने से डेहरी फलिया निवासी शांतिलाल भायल घायल हो गया है। उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो मामला सामने आया। पुलिस और वन विभाग के अमले ने गांव पहुंचकर फल के सैंपल लिए हैं। टीम ने एक फल फेंक कर देखा तो वो पटाखे की तरह फटा। शांतिलाल खेत की मेड़ पर लगे फल को काट रहा था और एक तभी फल फट गया। चपेट में आने से उसकी एक उंगली बुरी तरह से जख्मी हो गई। लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो कुछ फल नीचे पड़े थे, वहीं कुछ पेड़ में भी लगे हुए हैं। वन अमले भी अब इन फलों की जांच में जुटे हैं। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये कौन सा पेड़ है, फल क्यों फूट रहे हैं। वन विभाग मोतीमाड़ा पीठ प्रभारी जगदीश मेहता ने बताया कि उन्होंने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया, फल का सैंपल लिया है। फल की फोटो जबलपुर वन विभाग को भेजी गई है। इस मामले में डीएफओ का कहना है कि उन्होंने तो ऐसे पेड़ पहले कभी नहीं देखे। वनस्पति विशेषज्ञ बीड़ा सत्य पीजी कॉलेज बड़वानी के मुताबिक चाइना में मिलियोडिड्रोन का पेड़ बताया जाता है। पेड़ के फल बम की तरह फूटते हैं। इनके फलों में बीज पाउडर के रूप में होते हैं। दबाव पड़ने पर फल फूटता है, उसके बीज धुएं की तरह दिखाई देते हैं। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि हमारे यहाँ जो पेड़ है वो कौन सा है। ऐसे पेड़ हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं। जिले में कड़कड़िया का पेड़ पाया जाता है, इसके फल सूखने पर कड़कड़ की आवाज करते हैं, हालांकि ये ब्लास्ट नहीं होते। में लकड़ा काट रहा था, लकड़ा काटने के बाद पहले लकड़ा काट लिया, बाद में खींचा, में खींचने के बाद क्या मानो तुम क्या है अंदर, जब इनमें क्या है ना, क्या नहीं, वो फूटा बम जैसा फूटा। तो बाद में मैं भाग गया, भागने के बाद वापस आके देखा मैं तो वो तीन हेला छोटा छोटा। फलों में जो फटने की जो घटना होती है, ऐसा विस्फोट कभी भी सुनने में नहीं आया है। फटने की घटना होती है वो प्राकृतिक घटनाएं होती है पौधों में, जो अपने बीजों को बिखेरने के लिए इस तरह के स्फोट उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वीडियो देखने में आया है उसमें किसी फटाके के स्फोट तरीका दिख रहा है, वो स्फोट तरीका जो एक प्राकृतिक घटना नहीं लगती है। और मेरे देखने में अभी तक संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा फूट नहीं आया है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।